कि धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे और सिर्फ आंखों से अंधे नहीं बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे। बुद्धि से अंधापन यानी अपने इस धूर्त पुत्र दुर्योधन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्याकुल थे। बड़ा से बड़ा जघन्य कार्य पाप कार्य भी अपने पुत्र की संतुष्टि के लिए करने के लिए तैयार थे। पांडवों की हत्या के अंदर उन्होंने साझेदारी की, अनेक बार प्रयास किया। धृतराष्ट्र चाहते तो रोक सकते थे, परंतु अपने पुत्र के कुत्सित कार्यों को उन्होंने रोका नहीं, बढ़ावा दिया। परंतु अब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और पूरी तरह से उनकी पराजय हुई, सारे पुत्र मारे गए, राज्य समाप्त हो गया, छिन गया, अब वो उसी भीम के आश्रय पर है जिस भीम को मारने की उन्होंने लगातार चेष्टा की। ऐसी स्थिति में भी उनका मन का जो आकर्षण है घर और परिवार राज्य के प्रति वो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए यह कहना मूर्खता है कि बुढ़ापे में सब आसक्ति समाप्त हो जाए, कभी नहीं होगी। जिसने जवानी में आसक्ति समाप्त नहीं की उसकी बुढ़ापे में भी नहीं होगी। तो धृतराष्ट्र उतने ही आकर्षक, सौभाग्यवश विदुर महाराज के साथ उनका संग था और विदुर महाराज के फिर से उपदेश सुन करके उनको हृदय में भगवत भक्ति की प्रेरणा जागी। विदुर महाराज के उपदेश तब उन्होंने अपने राजमार्ग का परित्याग किया और जंगल में चले गए। वहां जाकर के जैसा हमने कल चर्चा की कि धृतराष्ट्र भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए योग की समाधि में बैठ गए। और जब धृतराष्ट्र ने इस प्रकार से प्रयास किया तब कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने उनको कृपा की और भगवान ने उनको सफलता प्रदान की। जब भक्त प्रयास करता है एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर के तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। यह है तरीका है? तो धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी जब उसने प्रयास किया विदुर महाराज के उपदेशों को स्वीकार किया तब भगवान हरि ने उन पर कृपा की और उनकी कृपा के कारण अब धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी, रियलाइजेशन। तब धृतराष्ट्र को यह बात अनुभव होने लगी कि वास्तविक रूप से मैं एक आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ है, शाश्वत संबंध है, वो मेरे वास्तविक रिलेटिव है। हम सब अपने रिलेटिव्स के बारे में चिंतित हैं, है ना? मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, इतने सारे रिलेटिव के बारे में हमको सदैव चिंता है, उसके यहां नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा, राइट है या नहीं? आपको हमेशा ऐसा लगता है, उनके यहां शादी में नहीं जाऊंगा, उनके यहां दीपावली मिलने नहीं जाऊंगा, उनके त्योहार में नहीं जाऊंगा, उनके तो बुरा मान जाएंगे। परंतु हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि आज 20 दिन हो गए जगन्नाथ जी की हमने सेवा नहीं की और जगन्नाथ जी बुरा मान जाएंगे, किसी के मन में आते नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। बाकी सबको आपको चिंता है बुरा मान जाएंगे, राइट? परंतु जगन्नाथ जी बुरा मान जाएंगे, यहां प्रभुपाद जी विराजमान है वो बुरा मान जाएंगे, प्रभु जी बुरा मानेंगे मैं इतने दिनों से नहीं गया, मैंने सेवा नहीं की, इसके बारे में हमको चिंता है, जबकि हमारा वास्तविक संबंध है, ये सत्य संबंध है। जो संबंध जीवात्मा का भगवान के साथ है वो निरंतर है,
1 लाख जन्म के पहले भी था, आज भी है और 1 लाख जन्म के बाद भी रहेगा। भगवान हमारे शाश्वत पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण रह संसार करो छाड़ी अनाचार, राइट। कृष्ण इज द रियल फादर, कृष्ण इज द रियल मदर, कृष्ण इज आवर लाइफ एंड सोल, ट्रू, बट वी आर नॉट कॉन्सियस अबाउट इट, वी आर नॉट कॉन्सियस अबाउट, we are conscious about so many material relationships, material obligations and responsibilities, right? I need to do this, I need to do that, right? But do we feel that we are responsible to Lord Jagannath? He is here, he is our real father, he is the real mother, he is the real maintainer, right? So धृतराष्ट्र जी को यह अनुभव हो गया, आप भक्ति के प्रभाव से धृतराष्ट्र जी को यह अनुभव हो रहा है कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूं, मेरा वास्तविक संबंध भगवान हरि के साथ है और मेरा स्वभाव आनंदमय है। आई एम ए ब्लिसफुल पर्सन। देखिए, जीवन भर उनके पास इतना बड़ा राज्य था, इतनी पतिव्रता पत्नी थी, गांधारी, गांधारी अद्भुत पतिव्रता स्त्री थी, अत्यंत रूपवान, सभी प्रकार से गुणवान, कुशल और अत्यंत पतिव्रता स्वामी परायण, राइट। तो देखिए, धृतराष्ट्र को सबसे अच्छी पत्नी मिली, धृतराष्ट्र को आज्ञाकारी 100 पुत्र मिले जो पूरी तरह से अपने पिता के प्रति समर्पित थे, अपना जीवन अपने प्राण देने के लिए तत्पर थे, राइट। यस और नो? इतना बड़ा राज्य मिला, यस, परंतु जीवन भर वो दुखी बने रहा। इतने वर्षों तक दुखी रहा, जब राज्य था, पुत्र थे, पत्नी थी, और अब सब छिन गया। अब सब छिनने के बाद जंगल में जाकर के भगवान हरि का ध्यान कर रहा है और प्रसन्न हो गया। समझ में आ रही है बात? ये अंतर है। जब तक इस भौतिक संसार के साथ आप अपनी आप पहचान बनाए रखोगे, तब तक दुखी आत्मा रहोगे, कितना भी प्राप्त कर लो, कितना भी प्राप्त कर लो, दुखी आत्मा बने रहोगे, राइट। और जब भगवान के साथ हमारे संबंध को, शाश्वत संबंध को हम जागृत करेंगे, पहचानेंगे, तब जीवन में खुशी और प्रसन्नता प्रारंभ होगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है धृतराष्ट्र जी। बताइए, जंगल में अंधे व्यक्ति और पत्नी भी अंधी, क्योंकि पत्नी ने स्वेच्छा से अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी और मृत्यु पर्यंत नहीं खोली, राइट। इतिहास में प्रमाण है। तो आप कल्पना कीजिए, एक वन में, एक जंगल में, एक अंधा और उसकी अंधी पत्नी, और श्रीमद् भागवत में लिखा है प्रसन्न है। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? आप कल्पना कर सकते हो? परंतु यह संभव हुआ भगवान की कृपा से, हैं? ये संभव है भगवत भक्ति से। इसलिए परम गुरु महाराज
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, दुनिया में सिर्फ एक चीज की कमी है, सिर्फ एक चीज की कमी है और किसी चीज की कमी नहीं है, वो है भगवत भावनामृत की, कृष्ण भावनामृत की कमी है, सिर्फ इसे एक बात की कमी है। तो पूरा जीवन लगा दीजिए इस भावना को बढ़ाने के लिए। हाउ टू इंक्रीज, लोग पूरा जीवन लगा रहे हैं धन कैसे बढ़ाऊं, राइट? पूरा जीवन लगा दिया धन बढ़ाने के लिए, कठोर परिश्रम, ऐसा परिश्रम कि गधा भी शर्मा जाए, समझ गए? किस काम के लिए परिश्रम? धन घर आवे, परंतु दुखी बने हुए। जैसे ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, भगवान की सेवाओं को करना प्रारंभ करेंगे, आप आनंद का स्वतः अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की भूख है। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण साक्षात धृतराष्ट्र है, कि वो अंधे हैं, पत्नी भी अंधी है, कोई सेवक नहीं है, कोई सहायक नहीं है, किसी प्रकार की कोई वहां पर उनको फैसिलिटी नहीं है, परंतु भगवान की कृपा है, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी। भक्त भगवान की कृपा में जीते, इसलिए भक्त सदैव आनंद में रहते, ये सीक्रेट है। तो जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर लिखा कि भक्ति के कारण अब उनके ऊपर से महत्त्व के सारे आवरण समाप्त हो गए, जीवात्मा के ऊपर महत्त्व के प्रभाव से अलग अलग आवरण रहते हैं, कवरिंग। आवरण का मतलब कवरिंग, हमारी चेतना ढकी हुई है, जैसे आग जो है राख से ढकी हुई रहती है, आग राख से ढकी हुई रहती है। सो मेनी टाइम्स आपने देखा होगा गांव में जो लोग लकड़ी से आग जलाते हैं, आज भी आप कभी लकड़ी के चूल्हे देखो तो देखो आग कभी कभी ऐसा लगता है कि बुझी हुई है, और आग के ऊपर पतली पतली हल्की हल्की राख दिखाई देती है, राइट? ग्रे कलर की राख जमी हुई दिखाई देती है, और आप सोचोगे कि आग तो बुझ चुकी है, परंतु यदि आपने उस राख वाली लकड़ी को थोड़ा सा यदि हवा दिया तो अचानक जोर से आग प्रज्वलित हो जाएगी। तो आग दबी हुई है, आग जल रही है अंदर में, परंतु ऊपर से ढकी हुई है। उसी प्रकार से हम सबके हृदय में भगवत भावना अमृत की अग्नि जल रही है, परंतु इस भौतिक संपर्क में आकर के उस अग्नि के ऊपर राख थोड़ी जम गई, आवरण। राख क्या है? आवरण, कवरिंग, कवरिंग है, आवरण। तो जब वो राख ऊपर लग जाती है तो लगता है कि फायर इज ऑफ, अब जो है अग्नि नहीं है, अब तो ठंडी पड़ गई है अब तो। परंतु जैसे ही उस लकड़ी को कोई हवा दिखाता है तो तुरंत आग जलने लगती है। यही परिणाम होता है जब हम एक भक्त के संपर्क में आते हैं। भक्त जो है हवा के द्वारा उस राख को हटा देता है, हमारे हृदय पर जो राख पड़ी हुई है उस राख को हटा देता है, फूंक मार करके हटा देता है। और जब फूंक मार के हटा देता है तो वापस वो भगवत भावना, वो कृष्ण भक्ति का जो प्रज्वलित अग्नि है वो जलने लगती है। दिस इज अ सीक्रेट, ये अंतर होता है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है जिससे कि बीमारी
दूर हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब भगवत भक्तों के संपर्क में आते हैं तो वो अपने उपदेशों के द्वारा हमारे ऊपर जो है राख लगी हुई है, इस राख को फूंक मार के उड़ा देते हैं। बस वो राख उड़ गई तो वापस भक्ति करना तो हमारा स्वभाव है, दैट इज आवर नेचर, राइट? वी ऑल लव इट। आप सबको अच्छा लगता नहीं यहां पर भगवान का सुंदर दर्शन, भगवान के सुंदर कीर्तन, भगवान का प्रवचन, भगवान का प्रसाद? क्या चीज यहां पर गलत है बताओ? क्या चीज यहां पर आपको दुखी करने वाली है बताओ? एक चीज है तो बताओ, कोई भी चीज। श्री प्रभुपाद जी ने कहा ये तो सबसे बड़ा आनंद का विषय है, दर्शन आनंदमय है, राइट? भगवान की कथा आनंदमय है, भगवान का नाम आनंदमय है, और भगवान का प्रसाद अत्यंत आनंदमय है, राइट? एवरीथिंग इज ब्लिसफुल, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। व्हाट? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। ऐसे वातावरण में भी यदि कभी आपको मन में दुख का अनुभव होता है तो उसका एक ही कारण है, मन का भी भौतिक आसक्ति नहीं गया, मन उन्हीं भौतिक वस्तुओं के ऊपर मंडरा रहा है। यहां पर आप बैठे हो, शरीर बैठा है, परंतु मन घर परिवार संसार में लटका हुआ है, समझा रहे? तो नहीं तो ये शास्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, धृतराष्ट्र अंधे हो गए, वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए, अंधे हैं, बूढ़े हैं, अकेले हैं, और अंधी पत्नी के साथ जंगल में, राज दरबार में नहीं है कि हजारों नौकर वहां पर खड़े हुए आंख बंद करके आज्ञा दे स्वामी, कोई नहीं, टटोल करके जाना पड़ेगा। पहले वाले श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, चूंकि वे अंधे थे, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो गंगा नदी का जल पी लेते थे, टटोल करके जाते और अपने पात्र से हाथ में बढ़ करके गंगा नदी का जल पी लेते और अपनी पत्नी को पिला देते। For few days, but he is happy. He is happy. तो सोचिए, ये जो खुशी है वो आत्मा का स्वभाव है। खुशी कहां से प्रारंभ होती है? आत्मा से, मन से। खुशी का स्थान, खुशी की सीट मन और आत्मा है। खुशी की सीट ये इंद्रिया नहीं है, इनको कितना भी खुश करने का प्रयास करो तुरंत दुखी होगी, राइट? जीवन भर धृतराष्ट्र जी ने किया परंतु कभी सुखी नहीं रहे, और अब कुछ नहीं है, जंगल में अकेले हस्बैंड वाइफ, नो फैसिलिटी, नो वन टू सर्व, राइट? नो हाउस, नो शेल्टर, नो फूड इवन। दे आर ड्रिंकिंग सम डे द वाटर फ्रॉम मदर गंगा एंड दे आर ब्लिसफुल, दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ड्यू टू द कनेक्शन विथ लॉर्ड श्री कृष्ण। इस रहस्य को जानने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस रहस्य को कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया, सारे विश्व में लोगों को इससे अवगत कराया, और कोई भी व्यक्ति इसका लाभ लेता है, ले सकता है, तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस दिव्य महामंत्र का जप करके, भक्तों का संग करके, हम सब इसका अनुभव कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, धन्यवाद श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। यस बोलिए। धृतराष्ट्र उनका कर्म से तब तो विदुर का संग नहीं मिला, उनका हार से बलव दुष्यंत से कारण से तो की बन के लगा। तो गांधारे ने मेरी तो इतना पोती प्रदा था, बासमान से भी भगवान का बहुत सेवा करता था। उनका कुंभ कर्ण होल से ऐसा दुखी हस्बैंड को क्यों मिला? गांधारी को ऐसा हस्बैंड क्यों मिला कि वो जो जन्म से अंधा है? तो इसके लिए हमको गांधारी जी का पूर्व जन्म को देखना पड़ेगा। गांधारी जी का पूर्व जन्म में क्या अपराध हुआ, क्या गलत किया उन्होंने जिसके कारण उनको ऐसा पति मिला? क्योंकि संसार में जितने भी जो कार्य होते हैं, आपको कैसा पुत्र मिलेगा, आपको कैसा पति मिलेगा, आपको कैसा पिता मिलेगा, ये सारी बातें हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। हमारे प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी कर्मों के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। तो निश्चित रूप से गांधारी को भी जो पति मिला वो उसके प्रारब्ध के कारण मिला, और इस बात को हमको पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों में कि गांधारी जी को ऐसा पति क्यों मिला। ऐसा जहां तक मुझको ध्यान है, परंतु शायद याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो उन्होंने अपने मित्र, कुछ मित्र पूर्व जन्म में महिला मित्रों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ जंगल में एक कीड़े का आग फोड़ दिया था। एक कीड़े का आग फोड़ दिया था, कुछ उसको चमकती हुई चीजों को देखा और उन्होंने सोचा कि ये वो कुछ चमकता हुआ नगीना है, पत्थर है। सो इस कारण से ऐसा धुंधला एक ध्यान है मेरे को, क्लास में सुना हुआ, फिर वापस में और कंफर्म करके आपको बता सकता हूं। तो सब कार्य का परिणाम तो मिलता है, भोगना पड़ेगा, समझ गए। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी महान हो, परंतु यदि आपने आपसे कुछ गलती है तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। यस बोलिए। ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ নিজের স্বার্থ পরের মতো একটা পুত্রকে কি করে বিনাশ করতো? আমার প্রশ্ন। तो ये तो स्पष्ट है कि पहले वो महाराज नहीं थे, पहले वो धृतराष्ट्र थे, राइट? पहले वो धृतराष्ट्र थे, तो अपना भौतिक आसक्ति के लिए जी रहे थे, और भौतिक आसक्ति के कारण क्या होता है, धन जौवन पुत्र परिजन, राइट? और जब भक्त बन जाते हैं तब बोलते हैं ये धन जौवन पुत्र परिजन। दोनों में अंतर है। जब भौतिक आसक्ति है तो क्या बोलते हैं, धन जौवन पुत्र परिजन, और भक्त बनने के बाद ए धन जौवन पुत्र परिजन, राइट? तो ये अंतर है। पहले वो भौतिक व्यक्ति है तो उसके लिए क्या है, धन स्त्री पुत्र राज्य संपत्ति यही सब कुछ है, तो इसके लिए उन्होंने इतना लोगों का। और दूसरी बात, जो उनके 100 पुत्र मारे गए वो इस आशा में मरे कि उनको ये विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे पुत्र विजयी होंगे, राइट? उनको ये कभी भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पुत्र हार जाएंगे। यदि उनको ऐसा लगता तो वो युद्ध नहीं करते,
परंतु ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड मेरे पुत्र इतने बलवान है, सामर्थवान है, साथ में कर्ण है, पितामह भीष्म है, तो जय तो हमारी होगी। तो जब जब वो उचित और अनुचित का बात खत्म हो जाता है, जब आप भक्त नहीं हो तो उचित क्या अनुचित क्या है? हर बात में तो उन्होंने अनुचित किया, उन छोटे छोटे बच्चों को जहर के दिया है, खाने में भोजन में जहर दिया, बांध करके समुद्र में नदी में फेंक दिया, क्या अनुचित नहीं था? कहां पर उचित था? लाक्षाग्रह में जला दिया, क्या उचित था? क्या चीज उचित थी? कोई भी उचित नहीं। तो जब भगवान का भक्ति आप में नहीं है तो फिर आपके अंदर उचित अनुचित का बात करने से कोई लाभ नहीं है, समझ गए? उचित और अनुचित का बात उससे करते हैं जो कि थोड़ा शास्त्र संगत है। जो सेंसिबल आदमी है उससे उचित अनुचित की अपेक्षा रख सकते हैं। ऐसे आदमी से उचित अनुचित का अपेक्षा रखेंगे आप? हाँ? नहीं कर सकते, वो तो पूरा अनुचित करने वाला ही है। इसलिए जरूरी है कि भगवत भक्तों के साथ भगवत भक्ति कीजिए, नहीं तो क्या उचित क्या अनुचित है। इसलिए उदय में विदुर ने उनको जब धृतराष्ट्र को राजा बनाने का स्टडी में विरोध किया था, आज से नहीं देख सकते उनको क्यों राजा बना, तो विरोध भी किया। क्लियर? हाँ बोलिए माता जी। हाँ अल्प वयस ना है, जो बचपन में नहीं किया भगवत भक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर कर नहीं सकता है। बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है बदलना, पुरानी आदतें जल्दी से नहीं बदलती। परंतु विदुर महाराज का संग था, धृतराष्ट्र जी के जीवन में एक ही चीज अच्छी थी बस, लाख सब चीज खराब, परंतु एक चीज अच्छा था, एक भगवत भक्त के साथ साथ है? एक भगवत भक्त के साथ साथ, उसका कृपा से सब कुछ हो गया। देखो समझ आ रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझना। असली जो आंख है, असली जो मित्र है, असली जो शुभचिंतक है, वो एक भगवान का भक्त है, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भले आप दुनिया छोड़ दो, देखिए आप विदुर धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ, पूरे पुत्र छूट गए, राइट? राज्य छूट गया, सारे संबंधी छूट गए, शल्य जैसा व्यक्ति उनका संरक्षक था छूट गया, राइट? सब छूट गए, परंतु एक की कृपा से जीवन कर गया विदुर महाराज। इससे मालूम पड़ता है भगवान के भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो आप मंदिर आते हो तो संग मिलता है, घर में बैठे रहोगे तो क्या होगा, मोबाइल का संग में रहोगे, और मोबाइल किसके साथ मिले जाएगा आपको, बड़ा से बड़ा जो दुष्ट है पूरे इंडिया का और वर्ल्ड का है, उसके साथ आपका साक्षात्कार कराएगा, तुरंत मिलवाएगा, राइट? वन टू वन, कैसे? वन टू वन है, और उसका परिणाम क्या होगा, भयानक हो, समझे? तो ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि आप घर में से जीव जागो गौरा चांद बोले, थोड़ा सा कष्ट करके निकल करके मंदिर तक आने का कष्ट करें जैसे आप करते हो बस, तो इसका इतना बड़ा परिणाम जैसा धृतराष्ट्र को मिला।
राइट, समझ गए? हरे कृष्णा।